सुल्तानपुर के लंबुआ बदनिया विकास खंड में दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल किया गया वितरित, दिव्यांगों को चेहरे खिले। सुल्तानपुर के दिल्ली बाजार के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों को जिला अस्पताल में इलाज जारी। सुल्तानपुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 225 स्कूलों को दीक्षांत समारोह का किया गया संपन्न, डीएम ने ली परेड की सलामी। सुल्तानपुर मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत कलेक्ट्रेट में डीएम रवीश गुप्ता और अध्यक्ष ने 15 निरक्षित बच्चों को किया लैपटॉप वितरित। सुल्तानपुर लखनऊ में हो रही 9 जनवरी को जन विश्वास महारैली में सफल बनाने के लिए जिले में 1100 कार्यकर्ताओं को ले जाने की हो रही है तैयारी। सुल्तानपुर में योगी सरकार के फरमान को नकारने में जुटे प्रतिनिधि, महिला सम्मेलन में बगैर मास्क के हुई भीड़ इकट्ठा। सुल्तानपुर जिलाधिकारी ने ली जिले के 3 एसडीएम के कार्य क्षेत्र में किया परिवर्तन, वंदना पांडे बनी एसडीएम बलदीरा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत कोविड-19 के दौरान अभिभावकों को खोने जाने जनपद 15 सदस्यों को लैपटॉप किए गए वितरित। सुल्तानपुर अटैसी गांव में 2 माह के बेटे को पिता ने जमीन पर पटका, हुई मौत, मां की तहरीर पर पति ने खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। सुल्तानपुर शहर में स्कूली वैन में बच्चों ने लगाया धक्का, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सुल्तानपुर में 32,000 आबादी वाले गांव के किसान करेंगे मतदान का बहिष्कार, सदर तहसील से काटकर बलदीरा से जोड़ने हैं नाराज। सुल्तानपुर कुड़वार पुलिस ने नेर का पूर्वा से 8 लीटर अवैध शराब के साथ बनाने वाले उपकरण समेत युवक को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सुल्तानपुर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 27 लोगों के शांति भंग में किया चालान, एसपी विपिन मिश्रा ने दी जानकारी। सुल्तानपुर नगर क्षेत्र के श्रम विभाग द्वारा लगाया गया श्रमिक पंजीयन कैंप, श्रमिकों का लगाया गया निःशुल्क पंजीयन। सुल्तानपुर कोड़ेवार विकासखंड के पकड़ी माइनर में आया उफान, आसपास के गांवों ने दर्जनों के किसानों के सैकड़ों बीघे फसल हुई जलगमन। सुल्तानपुर के लंबुआ कामतागंज बाजार में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, जुलूस में काफी कार्यकर्ताओं को देखने को मिली भीड़, उमड़ा जनसैलाब।